हाँ जी, वेलकम बैक। आज बात करेंगे फोंदो मितासुरुते की, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, और जिनको नहीं पता है तो उनको बता दूं कि ये एक टोटली फ्री फैमिली असिकुरासियों ने है, जिससे पहले 2017 से आपका दतोरे दिल वोरो पे करता है उन सभी के लिए जो मित्र में कानिका के सितोरे में जॉब करते हैं, और जिससे आप अपनी इंटायर फैमिली का हर एक साल में 5,000 यूरो तक का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, में सभी तरह के वीजते और ब्लड टेस्ट इंक्लूड हैं, जो लास्ट ईयर तक लगभग बिल्कुल फ्री थे, लेकिन इस साल 2022 से कुछ वीजते में आपको 30% तक पे करना पड़ सकता है। तो अगर आप में से कोई मित्र मैकेनिका के फील्ड में जॉब करने के बावजूद भी ये मेडिकल इंश्योरेंस उनको नहीं मिलती, तो इसका मतलब यही है कि जिस एजेंडा में आप जॉब करते हैं वो कॉम्फी इंडस्ट्रिया फिदर मैकेनिका से बिलोंग नहीं करती है, बल्कि किसी और ग्रुप जैसे कॉन्फापी में है, जिनमें यह इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे इस इंश्योरेंस को एक्टिव करने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो आने वाली इयर्स में अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो गूगल पे जाकर आपको सर्च करना है फोंदो मितासुरुते और इस पहले लिंक पे क्लिक करना है। यह है साइट का होम पेज। यहाँ पे अब आपको पहले आर्य रिसुरवाता पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे रजिस्ट्रति के ऊपर। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए ये 4 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ डिपेंडेंटे पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको अपना कोच फिस्काले ऐड करना है, और ये सभी ब्लैंक स्क्वायर को फ्लैग करने के बाद अब अवान्ति पे क्लिक कर दें। स्टेप 2 में अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड डिसाइड करना है। पासवर्ड चूज करने में याद रखिए कि आपको एक सिंबल और एक लेटर मयूज को भी इंक्लूड करना है। इसके बाद ईमेल को ऐड और रिकन्फर्म करके सी पे क्लिक करने के बाद अब अवान्ति पे क्लिक करें। स्टेप नंबर 3 में आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऐड मिलेगी। रेजिडेंसा अगर आपका चेंज हो गया है तो आप यहां मॉडिफाई कर सकते हैं। नीचे अपना मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद स्टेप 4 में अब आपको कॉन्फर्म ईमेल पे क्लिक करना है, और क्लिक करते ही जो ईमेल आईडी आपने ऐड की है उस पे एक लिंक सेंड किया जाएगा, जिस पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ अपना यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होते ही आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, तो यहाँ वालिदा नंबरों पे क्लिक करके रिकेदी SMS पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे एक OTP कोड सेंड किया जाएगा, जिसे आपको यहाँ पे टाइप करके वालिदा पे क्लिक करना है। अब यहाँ नीचे आपको अपना इवन नंबर ऐड करना है, जिस अकाउंट में आपके पैसे रिम्बोर्स किए जाएंगे। तो ये सभी इंफॉर्मेशन अब आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। किसी भी वीजते या ट्रीटमेंट करवाने के लिए परमिशन कैसे लेते हैं, और या फिर वीजता करवाने के बाद अपने पैसे कैसे रिफंड करवाते हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।